बिहार सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बेगूसराय जिले के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार नरेंद्र सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के पूर्व हर हर महादेव चौक से सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस लेकर बोगो सिंह मुख्य बाजार होते हुए SDO ऑफिस पहुंच अपना नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद विधायक बोगो सिंह ने कहा कि मटिहानी विधानसभा में 43 पंचायत है, सभी पंचायतों में काम किए गए हैं, काम के आधार पर लोग उन्हें इस बार भी मटिहानी की सेवा करने का मौका देंगे। विधायक ने कहा कि हर हर मोदी के राष्ट्रवाद और विकासवाद के साथ साथ नीतीश कुमार के किए गए विकास कार्यों के आधार पर जनता उन्हें फिर से मौका देगी। इस दौरान कन्हैया कुमार को लेकर के पत्रकारों ने जब सवाल किया तो विधायक ने कहा कि कन्हैया कुमार तो बंधन है। तो विधायक साहब ने बड़े बिगड़े बोल दिए कन्हैया कुमार के खिलाफ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कन्हैया कुमार बंदर है और उसका खेल खत्म हो गया है। लोकसभा चुनाव में 4 लाख से अधिक मतों से जनता हरा कर उसे भेज चुकी है। अब कोरोना की वजह से कहीं नजर नहीं आ रहा है। बेगूसराय में NDA में बागी नेता के तौर पर जाने जाने वाले बोगो सिंह ने कन्हैया कुमार के खिलाफ एक बड़ा बयान दे दिया है। बोगो सिंह ने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। 43 पंचायत है, अब 43 पंचायत में पत्रकार बंधु से मैं आग्रह करता हूँ, किसी पंचायत को आप चुन लीजिए, हर हर मोदी का राष्ट्रवाद विकासवाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार के, दोनों के नेतृत्व में 90% ऑल पंचायत में वर्क डन हो चुके हैं। किसी पंचायत में चले जाओ, डोर टू डोर सड़क बने हैं, पकुआ खेल खत्म हो गया, 20 से 22 घंटा बिजली की व्यवस्था है, विद्यालय की व्यवस्था है, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और जब तक सांस है कुछ न कुछ समस्या आती रही। लोजपा के बारे में आपको पूछना है तो लोजपा से पूछ लीजिए या उपेंद्र कुशवाहा से जाके पूछ लीजिए कि आज डगरा के बैगन बने हुए के कन्हैया के कन्हैया। मैंने तो कहा था उस बंदर का खेल खत्म हो गया, 4 कंधा तो बचे नहीं, रिजल्ट आ गए ना, 4 लाख से पराजित होके लापता हो गया, 1.5 साल से कहाँ है वो। कोरोना के समय में मानवता कहता है जो बेटा वही है, इंसान वही है जो अपने माता पिता के दुख को शेयर करने का कार्य करता है। उस बंदर से जाके पूछिए ये कोरोना के समय हम कहाँ था। ये दुर्भाग्य, अपने आप को इंसान कहते हैं लोग, अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को कुरान को मानने वाले कहते हैं, वेद को मानने वाले कहते हैं, और जिस दल की राजनीति करते हैं उस दल की दल को माता कहते हैं, मातृ संस्था कहते हैं। एक अनार है 100 बीमार है, और जब उनको सिंबल नहीं मिलता है तो दर दर भटकने लगते हैं, भुलुक भुलुक करने लगते हैं। तो इससे व्यक्ति पर कमेंट करना हमको लगता है शर्म को भी शर्म आ जाएगी। हालांकि नामांकन के समय बोगो सिंह का लोगों ने खूब समर्थन किया और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया था, ऐसे में लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद ये सब बातें बोगो सिंह ने मीडिया के सामने कही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।